नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पल पल रेलवे न्यूज। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी के रिजल्ट में कट ऑफ की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों कि ग्रुप डी के कट ऑफ के अनुसार ALP CVT 2 का फाइनल कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैं इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, देखिए, जैसा कि मैंने OBC का, जनरल का और ST SC दोनों सभी का यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ALP की। दोस्तों, ALP में जैसे कि अभी आप लोग का साइको होना है, तो दोस्तों उस हिसाब से अगर किन्हीं का अगर जनरल कैंडिडेट है उनका अगर 55 to 60, दोस्तों मैं यहाँ पे बिना नॉर्मलाइजेशन के बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ग्रुप डी में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आई थी, तो उस हिसाब से मैं जनरल का बात कर रहा हूँ दोस्तों। 55 to 60 तक कट ऑफ रहेगा दोस्तों। OBC का यही सेम कट ऑफ हो जाएगा दोस्तों, OBC का ये कट ऑफ हो जाएगा दोस्तों 65 to 55, ये कट ऑफ रहना चाहिए दोस्तों 50 to 55। और वहीं ST का अगर बात करें दोस्तों, SC का तो 42 to 48 रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे ST का बात करें 35 to 40 का कर रहे हैं, इतना मार्क्स आप लोग का अभी आ रहा है। इनमें नॉर्मलाइजेशन के बाद कर बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें अगर आपका नंबर है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा इतना नंबर बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग का साइको के लिए यहाँ पर कॉल किया जाएगा दोस्तों। और बात करें टेक्नीशियन की दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सभी कटेक जोन में यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गया है दोस्तों, तो उस हिसाब से बात करें दोस्तों, जनरल का अगर टेक्नीशियन में 75 जो ITI की है 75 प्लस आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग अपना कंफर्म समझ सकते हैं दोस्तों। उसी OBC का बात करें तो 70 प्लस, SC का बात करें दोस्तों 60 प्लस, और ST का बात करें दोस्तों 55 प्लस अगर है तो ही आप लोग जान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों। और PCM वालों का तो दोस्तों वैसे भी 85 प्लस रहेगा, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और वही OBC का 80 प्लस रहेगा दोस्तों, SC का 70 प्लस और ST का 60 प्लस दोस्तों। दोस्तों ये मेरा नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।